हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेल एकेडमी। टीओसी की इस वीडियो सीरीज में मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ एनएफए के बारे में। एनएफए के बारे में प्रैक्टिस प्रॉब्लम मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए, आज और भी कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम हम देखने वाले हैं एनएफए के रिलेटेड। एनएफए जो है वो कंस्ट्रक्शन के लिए काफी आसान है डीएफए से, ठीक है ना। यहाँ पे ज्यादा कुछ रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते जितने डीएफए में मैंने रिस्ट्रिक्शंस देखे थे। तो देखते हैं आज के प्रॉब्लम क्या है। बट उससे पहले, अगर आप लोग इस वीडियो चैनल को सबसे पहली बार देख रहे हो तो प्लीज इस वीडियो सीरीज को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, बेल आइकॉन पे क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाले जितने भी लेक्चर्स है उसका डायरेक्ट नोटिफिकेशन आपको आपके मेल पे मिलेंगे। तो देखते हैं गाइज आज के जो क्वेश्चंस है वो क्या बोलते हैं। कंस्ट्रक्ट द एनएफए दैट एक्सेप्ट ऑल द स्ट्रिंग्स ऑफ ए एंड बी। देखिए अभी इनपुट सिंबल जो है वो ए एंड बी हो चुका है, ठीक है ना। वेयर स्टार्ट्स विथ ए ए और बी बी, ठीक है ना। देखिए स्टार्ट विथ ए ए और बोला गया है बी बी। और का मीनिंग और एंड का मीनिंग में आप लोग कंफ्यूज मत हो जाइएगा। और मींस आइदर और वाला, लाइक ए ए से भी शुरू हो सकता है या तो फिर बी बी से भी शुरू हो सकता है। एंड बोला रहता है तो ए ए एंड बी बी, तो क्या हो जाता था ए ए और उसके बाद बी बी। बड़ा इस तरीके से नहीं है, यहाँ पे और बोला गया है, मीन्स लाइक ए ए से भी शुरू हो सकता है या तो बी बी से शुरू हो सकता है। एंड ये गाइस बोला गया है स्टार्ट्स विथ, तो एंड किसी से भी हो सकता है, तो एंड के बारे में मुझे यहाँ पे नहीं सोचना है। तो किस तरीके से इसका एनएफए जो है मैं कंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ काफी इजिली। देखिए क्यू जीरो जो है वो मेरी स्टार्टिंग स्टेट हो गई, देन वो ए ए से शुरू हो गया तो भी मुझे एक्सेप्ट करना है। तो क्या करता हूं मैं, यहाँ पे एक सिंगल ए, देन क्यू वन पे गया, देन नेक्स्ट वाला ए क्यू टू पे गया। क्यू टू जो है वो मेरी फाइनल स्टेट रहेगी, क्योंकि ए ए से शुरू हो गया तो मुझे एक्सेप्ट कर लेना है। देन उसके बाद मुझे बोला गया है बी बी से भी शुरू हुआ तो एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो दैट्स वाई बी लिया मैंने यहाँ पे, क्यू थ्री स्टेट नाम दे रहा हूं इसको, एंड देन बी आया तो मैं इसको एक्सेप्ट कर लूंगा, ठीक है। तो देखिए ए ए से शुरू होगा तो भी एक्सेप्ट होगा, बी बी से शुरू होगा तो भी एक्सेप्ट हो जाएगा। नाउ गाइस यहाँ पे एक बार ए ए और बी बी से शुरू हो गया, उसके बाद ए आए बी आए, कोई लेना देना नहीं है, दैट्स वाई यहाँ पे मैं ए और बी का सेल्फ लूप लगा दे रहा हूं। तो देखिए गाइस एनएफए के बारे में मैंने एक बात की थी जब भी मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ एनएफए डिस्कस किया था, जो भी स्ट्रिंग वैलिड होती है उसी का केयर में यहाँ पे एनएफए में लेता हूं, ठीक है ना। यानी वैलिड जितनी स्ट्रिंग है वो सारी स्ट्रिंग मेरी एक्सेप्ट होनी चाहिए, ठीक है। मैं इनवैलिड स्ट्रिंग्स के बारे में यहाँ पे केयर नहीं लेता, ठीक है ना। इनवैलिड स्ट्रिंग क्या होता है, क्या बिहेवियर मेरा एनएफए दिखाता है, इसके बारे में मेरा एनएफए जो है वो केयर नहीं लेता है। डीएफए में मेरी हर चीज के लिए केयर होती है, लाइक वैलिड स्ट्रिंग, इनवैलिड स्ट्रिंग, वैलिड स्ट्रिंग के लिए वो फाइनल स्टेट में जाना चाहिए, इनवैलिड स्ट्रिंग के लिए वो नॉन फाइनल स्टेट्स में जाना चाहिए। बट एज सच एनएफए में सिर्फ और सिर्फ वैलिड स्ट्रिंग के बारे में मुझे केयर करनी है, अदरवाइज मुझे बाकी चीजों के बारे में केयर नहीं लेनी। तो दैट्स व्हाई देखिए ए ए से शुरू हो गया, उसके बाद ए आए या बी आए मैं फाइनल पे ही रहूंगा, ठीक है। मैंने बीच में कहीं पे भी दूसरे लूप्स जो है वो नहीं लगाए हैं, लाइक क्यू वन पे ए ही निकला है, बी उसका पता नहीं मुझे कहा जाएगा, तो इसके बारे में मुझे सोचना नहीं है कि यहाँ पे बी आया तो क्या होगा, ठीक है ना, वो रिजेक्ट होगा एक्सेप्ट होगा वो मुझे नहीं सोचना है। फिलहाल मुझे सिर्फ सोचना है कि जितनी मेरी वैलिड स्ट्रिंग है वो यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाए, ठीक है ना। तो वही मेरा हो रहा है, दैट्स व्हाई इसको हम एनएफए बोलते हैं, यहाँ पे ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते, ठीक है गाइस। नाउ देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या बोलता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम में उसने बोला गया है एंड्स विथ ए ए और बी बी, ठीक है ना। अभी देखिए स्टार्ट्स विथ बोला था, अभी एंड्स विथ ए ए और बी बी बोला है, तो ठीक है करते हैं हम क्यू जीरो। क्यू जीरो मेरी इनिशियल स्टेट है, देन एंड होगा तो एक्सेप्ट होगा, मीन्स लाइक ए ए से एंड होगा तो उसे एक्सेप्ट कर लेना है, दैट्स वाई मैं यहाँ पे ए ए ले रहा हूं। क्यू टू मेरी फाइनल स्टेट, दैट्स वाई फाइनल में गया, ठीक है। मान लो कि ए ए मेरी स्ट्रिंग है जो कि एंड हो रही है ए ए से, तो वो फाइनल में चला गया। और बी बी भी बोला गया है, मीन्स बी बी से भी एंड हो सकती है, दैट्स वाई मुझे यहाँ पे सेकंड प्रो ऑप्शन भी इसको शुरू करना है, लाइक क्यू थ्री एक स्टेट लेता हूं एंड बी बी से मैं इसे एक्सेप्ट कर लूंगा, ठीक है ना। देखिए स्टार्ट ए ए से हो गया, एंड ए ए से हुआ तो भी एक्सेप्ट, एंड बी बी से हुआ तो भी एक्सेप्ट। नाउ गाइस यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि मुझे अभी लूप लगाना है,
लास्ट प्रॉब्लम जो मैंने किया था एंड्स वाला, तो यहाँ पे मैंने ए और बी का सेल्फ लूप लगाया था, क्यों? तो एंड्स विद स्टार्ट्स विद बोला गया था, स्टार्ट्स विद बोला गया था, स्टार्ट्स में क्या हुआ, इससे मैंने स्टार्टिंग की, फिर एंडिंग में क्या आया, आई डोंट केयर। यहाँ पे क्या बोला गया है, एंड्स विद मीन्स एंडिंग में ये चाहिए, स्टार्टिंग मेरी किसी से भी हो सकती है, दैट्स वाई स्टार्टिंग में ही मैं ए और बी का जो है सेल्फ लूप यहाँ पे मैं लगा दे रहा हूं, ठीक है। और नाउ गाइस ये आपका जो है एनएफए हो गया रेडी। नाउ यहाँ पे मैं सिर्फ वैलिड इनपुट के बारे में सोच रहा हूँ, इनवैलिड इनपुट के लिए मुझे क्या करना है मुझे नहीं पता, या तो मुझे उसके बारे में सोचना भी नहीं है। हाँ वो डीएफए में कंस्ट्रक्शन के वक्त मैं उसके बारे में केयर करता हूँ, बट फिलहाल एनएफए मेरा यहाँ पे काफी आसानी से कंस्ट्रक्ट हो जाता है। इसका ट्रांजिशन टेबल निकालने की आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ट्रांजिशन टेबल निकालना काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वही हेल्प करेगा मुझे एनएफए टू डीएफए कन्वर्जन में, ठीक है। तो गाइस देखते हैं नेक्स्ट। गाइस प्रॉब्लम नंबर 3 में जो है स्टार्ट्स विथ ए एंड एंड विथ बीबी बोला गया है, मीन्स स्टार्ट ए से होना चाहिए, एंड बीबी से होना चाहिए, ठीक है ना। और भी दिया हुआ है स्टार्ट विथ बीबी, यानी बीबी से अगर स्टार्ट होता है तो ए से एंड होना चाहिए, ठीक है ना। काफी सिंपल क्वेश्चन है, लाइक स्टार्ट अगर ए से हो रहा है तो एंड बीबी से होना चाहिए, अगर स्टार्ट बीबी से हो रहा है तो एंड ए से होना चाहिए। तो देखते हैं किस तरीके से इसका कंस्ट्रक्शन होगा। सबसे पहले Q0 मैंने स्टार्टिंग स्टेट निकाल ली है, मुझे स्टार्ट करना है ए से, तो ए एक स्टेट पे गया, सेकंड ए दूसरे स्टेट पे गया, ठीक है। तो यहां पे मैं Q1 पे आ गया, यहां पे मैं Q2 पे आ गया, ठीक है। ये तो हो गई मेरी स्टार्टिंग, अभी मुझे ए से स्टार्ट हुआ तो बीबी से उसको एंड कराना है, मीन्स लाइक एक्सेप्ट करवाना है। तो यहां पे मैं बी ले रहा हूं, बी आया तो Q3 गया, एंड नेक्स्ट बी आया तो Q4 मेरी जो है फाइनल स्टेट उसमें गया। तो ये काफी क्लियर है, स्टेटमेंट नंबर 1 मेरा पूरा हो चुका है, स्टार्ट्स विद ए एंड एंड विद बीबी, स्टार्ट ए से हुआ, एंड बीबी से हुआ, बीच में ए से स्टार्ट होने के बाद कुछ भी आ सकता है ए और बी का, और एंड में बीबी ही आना है, ठीक है ना। तो दैट्स व्हाई यहां पे मैं सेल्फ लूप लगा दे रहा हूं ए और बी का, ठीक है। काफी आसान है, लाइक ए से स्टार्ट हुआ, उसके बीच में ए और बी कुछ भी आ सकता है, उसके बारे में मुझे ज्यादा सोचना नहीं है क्योंकि ए एनएफए है। देन उसके बाद एंडिंग में अगर बीबी आता है तो मैं फाइनल स्टेट में जा रहा हूं, ठीक है ना। हो गया इस सेकंड ऑप्शन भी बोला गया है, और बोला गया है, और जब भी बोलोगे तो आप लोगों की जो डायग्राम है ना, लाइक दो पार्ट में निकलेगी, एक अपर पार्ट एक लोअर पार्ट, इस तरीके से पार्ट्स में निकलती है। डीएफए में भी इसी तरीके से अपनी डायग्राम जो है, मींस डीएफए जो है अपना कंस्ट्रक्ट हुआ था, एनएफए भी उसी काइंड में कंस्ट्रक्ट होगा। नाउ यहां पे बोला गया है स्टार्ट्स विद बीबी एंड एंड्स विद ए, ठीक है। तो यहां पे क्या करेंगे, बीबी से अभी मुझे स्टार्ट करना है, Q5 स्टेट, Q6, तो ये बीबी से तो मेरा स्टार्ट हो गया, ए से मुझे एंड करवाना है, दैट्स वाई Q7 ए एंड देन ये ए। तो आप लोग देख सकते हो बीबी से स्टार्ट हुआ, ए से एंड हुआ, एंड हुआ मीन्स फाइनल स्टेट पे गया। अभी बीबी से स्टार्ट होने के बाद बीच में जो है मिडल वाले एलिमेंट्स वो कुछ भी हो सकते हैं, ए और बी, तो दैट्स वाई ए और बी का यहाँ पे सेल्फ लूप लगा दे रहा हूं मैं, ए आए या बी आए मैं यहीं पे घूमूंगा, जैसे ही दो लास्ट में ए आते हैं तो मैं उसे एक्सेप्ट कर लूंगा इन द फाइनल, ओके। तो गाइस इसी तरीके से आप लोगों को जो है एनएफए कंस्ट्रक्शन पे ध्यान देना है, एनएफए कंस्ट्रक्शन के साथ आप लोगों को ट्रांजिशन टेबल भी निकालना आना चाहिए। ट्रांजिशन टेबल के बारे में मैंने लास्ट जो वीडियो लेक्चर है उसमें डिस्कस किया है कि किस तरीके से ट्रांजिशन टेबल जो है वो कंस्ट्रक्ट होता है एनएफए के डायग्राम के लिए। स्टिल अगर आप लोग कोई भी डिफिकल्टी फेस करते हो एनएफए में तो आप क्लियरली यहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, अगर आपका डाउट जो है वो जेन्युइन है तो मैं ट्राई करूंगा कि उसको वहीं पे सॉल्व कर दूं, या तो फिर उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना सकता हूं। गाइस आप लोगों को जो भी डाउट आते हैं इस पूरे सब्जेक्ट में आप लोग कमेंट सेक्शन में देखिए, हम कमेंट सेक्शन को हमेशा फॉलो करते रहते हैं। और आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और कुछ भी आप लोगों को लगता है कि इस वीडियो में कमी है तो आप लोग वो भी लिख सकते हो, ताकि हम नेक्स्ट वीडियोज में जो है उसको हम पूरा कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलिए इस चैनल को। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू।